वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तो इस नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, सौण दे महीने विच कुछ एवें दीआं चीज़ां बारे दस्या गया है जो कि किसी नूं नहीं देनियां चाहीदियां। यह चीज़ां जे किसी नूं नहीं दोगे तो हमेशा खुश रहोगे। किन्ना भी कोई कहे इन्हां चीज़ां नूं उधार ना दिओ, इस नाल तुसीं आप परेशानी विच पै सकदे हो। अज दे समें विच वैसे तो उधार देना ते उधार लेना जरूरी हो गया, पर इस सौण दे महीने विच उधार महंगा पै सकता है। पहली चीज़ है पाठ पूजा नाल जुड़ी कोई भी चीज़, जिमें कि अगरबत्ती, गुटका साहब, जोत वाला घिओ, जां हिंदू धर्म विच पूजा की जो भी समग्री हुंदी है, जां कपड़े हुंदे ने, यह चीज़ां इस महीने नूं नहीं देनियां चाहीदियां, किसी नूं भी नहीं देनियां चाहीदियां। दूसरी चीज़ है पैसा। इस महीने विच किसी नूं भी पैसा उधार नहीं देना चाहीदा। सौण दा महीना धन प्राप्ति दा महीना मन्या गया है। इस महीने ना उधार देना चाहीदा ना लेना चाहीदा, क्योंकि इस महीने उधार दिता गया पैसा तुहाडे कोल वापस नहीं आएगा। इस महीने धन देने वाला ते लैण वाला दोवें कर्ज विच डुब जाणगे। तीसरा, इस महीने सवेर दे समय जे कोई दुध दही लस्सी उधार लैणा आउंदा है जां वैसे ही लैण आउंदा है तां इह नहीं देना चाहीदा। इन्हां चीज़ां नूं देण नाल घर दी बरकत भी चली जांदी है। सौण दे इस पवित्र महीने विच कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां ने जो घर दी सुख समृद्धि नाल जुड़ियां हुंदियां ने, इस करके इस महीने विच उह चीज़ां किसे नूं उधार नहीं देनियां चाहीदियां। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह।